मोदी सरकार को बोलिए ठीक है ये लागू हटाने बोलिए। कितना काट लिया? 80,000। और मालिक ने फिर आपको तनख्वाह नहीं दी? हमको भी 1,00,000 महीना देना होगा, सैलरी 1,00,000 करना होगा। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? बहुत दूर से बहुत दूर जा रहे हैं, इस छोर से उस छोर। कहाँ से कहाँ? चेन्नई से लोड किए जाएंगे नागालैंड। अरे भाई साहब ये तो हमारे ख्याल से 2000 किलोमीटर ऊपर सफर है। 2000 नहीं, 4000 के आसपास है। 4000 के आसपास है। क्या लेके जा रहे हो? मशीन है। कितने महीना लगेगा इसमें पहुँचने? नहीं महीना नहीं लगेगा, 18-20 दिन लग जाएगा। 20 दिन लग जाएगा लेकिन नहीं। भारत की सड़कों पर हम सब ने ट्रक्स को नोटिस किया है, रंग बिरंगे डाले, आन मिलो सजना वाले कोट्स और अंदर बनियान में हैवी ड्राइवर। हमने देखा तो है पर शायद समझा नहीं। इन रंग बिरंगे ट्रक्स के अंदर बड़ी कहानियां सफर करती हैं। सड़कों पर गुमनाम 20 लाख ट्रक ड्राइवर्स। वेलकम टू द संडे भारत प्रोजेक्ट। ये ट्रक ड्राइवर्स भले ही गुमनाम जिंदगी जीते हो पर ये हमारे देश के लिए कितना जरूरी है इसको आप इस बात से समझो कि जब ये स्ट्राइक पर गए थे तो सिर्फ 2 दिन के अंदर सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ गई थी। सरकार की ओर से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। अभी जो भैया कानून आया था जो बोल रहा था कि जिसपे बवाल भी हुआ था इतना ये ट्रक ड्राइवर का, क्या था वो पूरा मामला बताओगे? हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा काटी। तो 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, तो ये बताइए कि हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि पब्लिक हम लोग को पहले हॉस्पिटल पहुंचाएगी? भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया ट्रक दिखाएंगे आप अपना अंदर से? भाई साहब ये तो सो रहे हैं भाई साहब? नहीं थक गए होंगे, आपको भी होता है नींद तो यहीं सो जाते हैं? अच्छा यहाँ चार्जिंग वार्जिंग हो जाता है अपना? चार्जिंग चार्जर है। ये बटन गाय के ये ऊपर जो स्विच खटका लगा है, फैन है, लाइट है, अच्छा बॉक्स है, ए म्यूजिक पूरा सिस्टम भी लगा रखा है, गाने वाने बजा के जाते हैं मस्त है। मैं जरूरत भी पड़ती होगी यार, नहीं आपको जब नहीं आते हैं तब गाना वाना सुनते हैं जाते हैं। हाँ। कौन से गाना सुनते हो? जो भी आते हैं, भोजपुरी, हिंदी, बंगला, सब कुछ सुनते हैं। सब सुन लेते हो? भोजपुरी सुनते हो भैया? हाँ। लॉलीपॉप वाला गाना सुनते हो? सब सुनते हैं। कुछ टाइम पहले ये प्रोटेस्ट वगैरह के ट्रक वाले बोल रहे थे कि नहीं वो कोई बिल वगैरह आया था। वो भी तो फाइनल हुआ कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। आप कहाँ थे वहाँ पे उस टाइम पे? गाड़ी चला रहे थे। चला रहे थे, आपने नहीं रोकी थी? सुनिए हम बता रहे हैं ठीक है, बोला जब एक्सीडेंट करो उसको हेल्प करो, एक्सीडेंट उसको आपको हम मार दिए, आप बाइक से जा रहे हैं, आप गलती करके मेरा गाड़ी के पास चला है, आपको मार के हम बचाने जाएंगे? एक बार हम एक्सीडेंट कर दिए थे। अच्छा हाँ, छोटा गाड़ी लेके ऐसे छोटा गाड़ी लेके जा रहे थे घूमने, 5 दोस्त मिल गए। हाँ। तो हम चला रहे थे। हाँ। तो बैलेंस निकल गया था हाथ से। हाँ। रुकना नहीं, माने रुकते नहीं है गाड़ी। हाँ हाँ। तो एक टोटो वाला को मार दिए, फिर टोटो पलटी हो गया, फिर एक आदमी का हाथ टूट गया, एक आदमी का पेट टूट गया। अरे तो वहाँ से तो हमको गाड़ी से उतर के मरने लगा। अच्छा। फिर हम भाग गए, वहाँ रुकेंगे तो पब्लिक तो नहीं छोड़ेगा हमको। अच्छा इसमें जो बिल आया था इसमें भी पूरा यही था कि गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ के नहीं भागना चाहिए? वो तो बोला था कि गाड़ी छोड़ के नहीं भागना चाहिए। हाँ। लेकिन जो पब्लिक है वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तो मार देगा, तो मार देगा। ड्राइवर को तो मारेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ। तो वैसा थोड़ी होता है कि एक्सीडेंट करने के बाद नहीं भागने के। सरकार जो आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अगर तुम छोड़ के भाग जाओगे तो 10 साल का सजा होगा, 10,00,000 जुर्माना होगा। तो हम लोग गाड़ी चलाते कितना महीना कितना देते हैं? 5,000। तो 5,000 में उसका 10,00,000 हम भर पाई कर पाएंगे? नहीं होगा।
हमको भी 1 लाख महीना देना होगा, सैलरी 1 लाख करना होगा, तब 10 लाख दे सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ इनकी मांगे बड़ी सिंपल थी, पगार बढ़ाई जाए और दूसरा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को घटना स्थल पर रुकने पर मजबूर ना किया जाए। और सोचा भी जाए तो सही है, 10,000 की तनख्वाह वाला आदमी 10 लाख का फाइन कहां से देगा। चेन्नई से चढ़े थे अपन, फिर आज तो 8 दिन के बाद नहीं। यार हमको एक चीज बताओ कि आप लोग जैसे सड़क से सड़क पर रहते हो तो अपना खाना पीना तो होटल पे हो जाता है, ये रुकना सोना और नहाना धोना कैसे मैनेज करते हो? यही सब है, 8 दिन 10 दिन पे रुकेंगे तो 1 दिन नहाएंगे, अभी 8 दिन हो गया, 8-9 दिन पे नहा रहे हैं अभी। तो पीछे कहाँ नहा के बाथरूम में? हाँ उधर है वो टंकी है ना। अरे हम लोग का जीवन ही वही है भैया, क्या बोलेगा। तो कैसे क्या मतलब? हाँ इधर है ना टंकी। हाँ वहाँ लिए कपड़ा वपड़ा धोए, अभी जा रहे हैं खाओगे और क्या। तो पैसा वैसा लेते हैं ना? नहाने का नहीं, खाने का लेते हैं, तो खाना का पैसा कोई भी लेगा। अच्छा, और सोने का कैसा रहता है? सब सोने का गाड़ी में ही सोएंगे, कहीं जान नींद लाएगा सो जाएंगे, रात में नींद लगा सो गए। खाना हो गया आपका? खाना हाँ खाना हो गया। क्या खाया? मिठाई लेके आए थे देसी वाला। अच्छा, मछली मीट वगैरह बना के खा लिया? बना के खा लिया, फिर रात को खाएंगे। फिर रात को तो एक बार खाना बनाते हो या दोनों? एक बार बनाते हैं, दो बार खाते हैं। एक बार बनाते हो और दो बार खाते हो? हाँ दो बार खाते हैं। अच्छा, दो बार बनाने का टाइम नहीं मिलता है? दो बार खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता? नहीं, एक बार भी टाइम, जब गाड़ी चलते है तब एक बार बनाना नहीं मिलता है टाइम। 15-20 दिन का अमूमन एक सफर होता है, रहना सोना अपनी ही गाड़ी में, खाने नहाने का बंदोबस्त ढाबे पर हो जाता है, और फिर रिश्वतखोरी और एक्सीडेंट से बचने का अलग टेंशन। रिस्क बहुत है और मुनाफा बहुत कम। अच्छा एक बात पूछें, कितना आपको देंगे ये लोग जब आप अपना खत्म करके यहाँ से गाड़ी पहुँचाएंगे? तब हाँ गाड़ी पहुँचाएंगे तो 9,000 रुपया मिलेगा भैया हम लोग को कमीशन। 9,000 रुपया मिलेगा मंथली जो चेन्नई से वहाँ तक नागालैंड? और ये मशीन लाखों करोड़ों की होगी अंदर? वो तो मशीन का भैया हम लोग कहाँ बोलेंगे, उसका तो बहुत महंगा दाम है। अच्छा भाई साहब, खुदा ना खास्ता अगर मान लो कहीं आप जा रहे हो या फिर कोई साइकिल लग गई कोई दुर्घटना, अगर छोड़िए उसका मशीन में साला टच हो जाएगा तो मशीन का पैसा काट लेगा, इतना की जितना मेरा पगार नहीं है। तो रिस्क है भाई। ओ हम तो कटाए 2 साल पहले अभी अक्टूबर में, एक मशीन लेकर आ रहे थे उसका लोडर का, वो सट गया तो 80,000 रुपया काट लिया खाली सटने का ऐसे उसका मशीन में। कितना काट लिया? 80,000। 80,000 आज ही बेंगलोर में काट 80 क्या करेगा, तनखा नहीं मालिक का काट, मालिक का काटा मेरा, वो तो काटेगा ही, और मालिक ने फिर आपको तनखा नहीं दी। एक ड्राइवर अगर महीने भर सड़क पर रहा तो 20,000 रुपया घर पर भेज पाता है, बशर्ते कहीं मालिक का वक्त और सामान का नुकसान ना हुआ हो। अच्छा एक स्टीरियोटाइप है कि बहुत ट्रक ड्राइवर्स पीकर गाड़ी चलाते हैं, जो कि सच कहूं तो बहुत हद तक सच भी है, पर ऐसा क्यों है ये सवाल जब पूछा तो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग मिला। देखिए दारू पिए चाहे जो कुछ पिए, जो कुछ ही करे हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग अगर खाना नहीं पहुंचाते कोई खाने पाएगा? कोई नहीं खाने पाएगा। सही बात है। कितने एक रिक्वेस्ट मोदी सरकार को बोलिए, ठीक है ये लागू हटाने बोलिए। लगा अभी तो हटाई दिया है, अभी तो बीच का। देखिए ड्राइवर लोग रास्ता में चलता है, दारू पीता है चाहे जो भी कुछ करता है, देखिए थकान होता शरीर में, तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना बाहर रहता हम लोग। आप अगर बोल दीजिए 100 में 90% ड्राइवर सभी पी के गाड़ी चलाते हैं, कोई जैसे दारू पिए कोई गांजा पिए, ठीक है 90% ड्राइवर नशा नहीं चलाता। नशा नहीं करेगा तो उसके घर का खाना नहीं पहुंचेगा मोदी सरकार का। नशा में क्या है ऐसा, क्या जरूरी क्या है नशा? नशा जरूरत है रात जागने के लिए। अभी अभी ड्रिंक यू? हाँ बिल्कुल पूरा एकदम। अच्छा तो अभी रेस्ट कर रेस्ट। भाई एक बात बताइए, अब जैसे अभी ये थे ये बैठे बैठे दारू पी के चला रहे थे गाड़ी, वो गलत बात है ना? अब ऐसा नहीं, लेकिन मैं भाई ना दूसरा पक्ष भी जानना चाहता हूं। मजबूरी है, मजबूरी है कि नींद पूरा करने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक करना पड़ता है या कोई नशा ऐसा है जिसका आदत जो लगा। कितने लोग होंगे जो दारू पीते हैं इस व्यवसाय? मान के चलो कि 50% ऊपर ही होगा, ज़्यादा जो नशे में चलते हैं। और क्या नशा करने की ज़रूरत पड़ जाती है? वही नींद पूरा करना, उसको नशा नहीं करेगा नींद नहीं आएगा, जैसे सोने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का ड्रिंक लोग करता है कि चलो जाके पी के सो जाऊंगा आराम से, नींद पूरा हो जाएगा। अच्छा अपना एक तो सैलरी का आपने बताया कि ज़्यादा मिलनी चाहिए, और क्या क्या अपने साथ अपनी सुविधा होनी चाहिए?
सुविधा सब कुछ होना चाहिए, ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है तो भी तो नहीं है हम लोगों का, करते नहीं। लेकिन ड्राइवर का कुछ मदद नहीं होता है रास्ते में चलने में, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होता है। कानून बनाते हैं कि ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल का सजा हो जाएगा और 10 लाख जुर्माना हो जाएगा। तकलीफ वही है बस, हाँ। मालिक का दबाव है, ट्रांसपोर्टर का दबाव है, जाम है रोड का, हाँ। वो लगे रहो बैठे रहो दिन दिन भर कभी कभी तो, और फिर ऊपर से एसी तो होता नहीं है अपना। एसी कहाँ से, एसी पंखा तो लगाता नहीं मालिक, तो एसी कहाँ से लगाए पंखा भी नहीं लगाते। सरकार तो एक बार बोले कि एसी वाला गाड़ी सबको कर देंगे। हाँ बोले थे अभी कि ट्रक वाले अब जो आएंगे वो नए एसी वाले, कुछ कुछ गाड़ी में है डंपर जो होता है, उसमें जो नई वाली आ रही है, नई वाली आ रही है उसमें एसी है। अच्छा अगर मान लो गलती से अपना कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है, है? तो फिर उसके क्या, फिर क्या होता है उसका, फिर अगर भाई मिस्टेक हो गया तो वही है मार खाना पड़ेगा। कोई इंसान गलती जानबूझ के नहीं करता। सोच के भी देखो तो ऐसा ही लगता है यार कि 8,000 की नौकरी है आपकी, उसमें आपको लाखों की रिस्क पे दिन दिन जगह जगह रह के आपको गाड़ी चलाना है, फिर उसमें कहीं कोई भी गलती कर दे तो गलती आपकी ही मानी जाएगी, वो अलग रिस्क, बीवी बच्चों से दूर हैं, घर से दूर हैं, वो अलग दुख। फिर यहाँ पर जो RTO वाले होते हैं, जो लोकल यहाँ पे नाके वाले होते हैं, वो परेशान करते हैं, वो रिश्वत मारते हैं, वो अलग रिस्क। उसमें भी दुखदाई बात ये है कि ये लोग अपना व्यवसाय जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आपकी तरह इनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ नोटिस पीरियड डालें और वहाँ ज्वाइनिंग कर लें, इनको इसी में रहना पड़ेगा क्योंकि इनको आता ही यही है। और ऐसे में अगर कोई ऐसा लॉ पास होता है जहाँ वो बोलते हैं कि आपकी वो अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो आपको इतना लाख रुपए देना पड़ेगा जो आपकी शायद पता नहीं कितने ही सालों की कमाई है, तो प्रोटेस्ट करना लाजमी है। बाकी दूसरा पहलू भी ये है कि हाँ कुछ ड्राइवर हैं जो नशे में गाड़ियाँ चला रहे हैं सड़कों पर, और उसका भी जो रीज़न है वो आपने अभी अभी सुनी लिया होगा। कहाँ कोशिश थी कि ट्रकर्स जो लाइफ है जो बाकी देशों में काफ़ी अच्छी होती है, अमेरिका में ट्रक्स भी अच्छे होते हैं, एसी वाले ट्रक्स होते हैं, बड़े ट्रक्स होते हैं, हमारे बहुत दुर्दशा में जो ये आप यही ट्रक देख लो पता नहीं कितने सालों पुराना होगा और ना कोई एसी है ना कुछ है, मत हाँ ये है कि एक अंदर इंसान है मजबूरी है जिसकी, और वो 18-18 घंटे इसके साथ चलता है और जगह जगह परेशान किया जाता है। खैर ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इन सब चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको बस मौका मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है ताकि हम ऐसी ही और देश के कोनों कोने से कहानी आप तक लाते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।